नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। आरोप नोटबंदी के प्लान का, आरोप हो या अपनों को बताने का, चुनाव से पहले नोटबंदी का, 8 नवंबर को हुए नोटबंदी के ऐलान के बाद से अब तक उनके विरोधी मोदी सरकार पर तमाम आरोप लगाते रहे हैं। सड़क से संसद तक हो रहा बवाल भी है और देश देख भी रहा है, लेकिन इस सबके बीच पीएम मोदी ने खेला है एक और नया दांव, उसी पर आज होगी बात। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने नया दांव चलते हुए अपने ही घर में तलाशी अभियान चला दिया, लेकिन सवाल यह है कि अपनों की तलाशी का यह प्लान आखिर है क्या? ईमानदार पहल या फिर इमेज बिल्डिंग की एक प्लानिंग है, एक एक्सरसाइज है? एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी। अब अपना ही घर खंगालने की तैयारी, एमपी एमएलए से मांगी खातों की जानकारी, क्या विपक्षियों पर भी होगा वार? अब आगे क्या? तो क्या माना जाए कि पीएम मोदी ने अपने घर की उजली चारदीवारी की चमक को बचाए रखने के लिए घर की अलमारियों को खुले आंगन में रखवाने का प्लान किया है? लेकिन बीजेपी के एमपी और एमएलए के खातों को तलब करने की कवायद पर बहन जी का कहना है कि ये धोखे का भ्रम है जो शिद्दत से फैलाया जा रहा है। यदि इनको ये सब करना ही था तो फिर ये नोटबंदी का फैसला क्यों लिया? फिर पूरे देश के 90% जनता को एटीएम और बैंकों के बाहर लाइन में क्यों खड़ा किया? जब दरअसल सोच और फिक्र की गली से लेकर संसद के गलियारे तक जब संग्राम सरीखा माहौल है, और इसी माहौल में मोदी ने बीजेपी के तमाम सांसदों और विधायकों के बही खाते तलब किए। बीजेपी के सभी एमपी एमएलए से स्टेटमेंट मांगा गया है। 8 नवंबर से 30 दिसंबर तक के इस बीच का ब्यौरा अमित शाह को सौंपना होगा। 1 जनवरी तक सभी सांसद विधायकों को ये स्टेटमेंट जमा कराना है। तो टोटल दिखावा है और इसमें कुछ भी नहीं है। ये जो 8 तारीख से बात कर रहे हैं, अगर ये डिटेल लेना ही चाहते हैं तो 2 महीने की पूरी डिटेल लें, या इससे साल भर के पहले क्या क्या इन्होंने जमा किया वो पूरा डिटेल लें, उससे पता चलेगा कि कौन कितना ईमानदार है। यानी काले धन की कवायद में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने नया दांव चल दिया, लेकिन विरोधियों की माने तो ये नोटबंदी पर तीखे तीरों की तासीर से बचने के तरीके तलाशे गए। इस निर्णय की आवश्यकता कहां पड़ गई? जब कोई एमपी एमएलए चुनाव लड़ता है और 5 साल बाद फिर लड़ने जाता है तो अपना पूरा का पूरा अकाउंट, आय और व्यय का विवरण देता है। यह ईमानदारी की बजाय ईमानदारी का नाटक है। 8 नवंबर को हुई नोटबंदी के बाद से रौद्रूप में आया विपक्ष सरकार की नीति और नियत पर सवाल उठा रहा है। सड़क से लेकर संसद तक सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहा है, वहीं बीजेपी की माने तो सवाल चंद मुट्ठी भर लोगों का नहीं, पूरे देश का। शुचिता, पवित्रता, पारदर्शिता, ये भारतीय जनता पार्टी के जन्म काल से ही हम लोगों के मूल्य रहे हैं और एक विशेष प्रकार की राजनीतिक संस्कृति लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस वक्तव्य का स्वागत किया जाना चाहिए। बहरहाल पहले जनता के बही खाते खंगालने के बाद अब अपनी ही पार्टी के नेताओं की पोटलियों को टटोलना, सवाल ये है कि काले धन की कवायद में ईमानदार कोशिश है या केवल इमेज बिल्डिंग के लिए की जा रही कसरत? कहीं ऐसा न हो कि अपने ही घर में विलेन बन जाए मोदी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, के न्यूज। तो आज जानने की हम कोशिश करेंगे कि मोदी का यह नया फैसला किस तरह का है, क्या वाकई में इससे पारदर्शिता आएगी? तमाम लोग बताएंगे कि उनके पास क्या कुछ है, कहां रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है। क्या बीजेपी के लिए ये होगा या और पार्टियों के नेताओं के लिए भी होगा, ये भी समझने वाली बात है। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे परिचय आपका करा रहे हैं।
जुशान हैदर कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, हरीश श्रीवास्तव बीजेपी से, मोहम्मद अब्बास राज्य मंत्री हैं, सपा से जुड़ रहे हैं, अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे प्रधान संपादक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत अमिताभ सर आपसे ही करेंगे, जानना और समझना चाहेंगे एक अच्छी कोशिश है, ईमानदार कोशिश है या फिर इमेज बिल्डिंग की एक कोशिश है बीजेपी की, किस तरीके से इसको आप समझा जाए, देखा जाए, आगे क्या होने वाला है? अमिताभ सर आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए अमिताभ सर तक हमारी आवाज पहुंच नहीं रही है, लेकिन उससे पहले हरीश श्रीवास्तव जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चर्चा की शुरुआत उनसे कर लेते हैं फिर अमिताभ सर के पास जाएंगे जब आवाज पहुंचेगी। हरीश श्रीवास्तव जी स्वागत भी है आपका, अच्छी बात भी है, अपने घर में ही तलाशी अभियान आप चला रहे हैं, विपक्षी पार्टियां हालांकि इसको दिखावा कह रही हैं, समझना चाहेंगे आपसे हम। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पारदर्शी व्यवस्था देने का जो उनका संकल्प है और जो पारदर्शी व्यवस्था देने का उनका प्रयास है, उसी क्रम में उनके इस जो उन्होंने सांसदों और विधायकों से जो अकाउंट का ब्यौरा देने के लिए कहा है वो उसी एक क्रम का हिस्सा है। आज आप देखिए कि विपक्ष जिस तरह की बात करता है जी, कि आगे चलिए तो पीछे चलिए तो दोनों तरफ उसको तो एक क्रिटिसिज्म करना है जी, यही विपक्ष है जो लगातार आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो अपने पैसे बदल लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, तरह तरह की बातें कह रहे हैं। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खाते पब्लिक के सामने आना चाहिए, पूरी पारदर्शिता के साथ आने चाहिए, ताकि जिस तरह से भारत बंद के आह्वान को फ्लॉप करके जनता ने इनको जवाब दिया और आज ममता जी की जो जनसभा थी और उसमें जिस तरह से जनता ने इनको जवाब दिया, इनकी आंखें खुल जानी चाहिए कि लोग सच्चाई के साथ खड़े होने वाले हैं, लोग भ्रष्टाचार के साथ खड़े होने वाले हैं। एमएलए और एमपी चुनाव मैदान में उतरते हैं, उस दौर में वो अपना डिटेल देते हैं, अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं, खाते में कितना पड़ा हुआ देते हैं, वो तो देते ही देते हैं, उस दौर में भी देते हैं, अब एक नए तरीके से देंगे? नहीं, निश्चित रूप से वो देते हैं उस समय ब्यौरा, लेकिन ये तो आरोप, ये नोटबंदी के बाद जिस तरह के विपक्ष आरोप लगा रहा है उसका भी तो जवाब, उसकी भी तो पिक्चर जनता के सामने आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर जिस तरह का अनर्गल आरोप चाहे लोग लगावे, तो एक पारदर्शिता लोगों के सामने होना चाहिए, देश की जनता के सामने होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और विधायकों के खाते में नोटबंदी लागू होने के बाद, विमुद्रीकरण के बाद। ठीक है, प्रश्न मेरे जहन में आया, आपने ये जो निर्णय लिया मोदी जी ने अच्छा निर्णय है, इससे विपक्षियों पर आप थोड़ा दबाव भी डाल लेंगे नैतिक, लेकिन मेरा इससे हटके प्रश्न है, मुझे ये बताइए अपने खाते में काला धन कौन माई का लाल रख लेगा? खाते में जो पैसा होता है वो इनकम टैक्स के रडार पर हमेशा से रहा है, आज नहीं हमेशा से, एक ब्लैक मनी रखा जाता है गोल्ड में, ब्लैक मनी रखा जाता है रियल इस्टेट के जरिए के शक्ल में, ब्लैक मनी रखा जाता है यूरो और डॉलर खरीद के उसमें, ये तो मैं पहली बार सुन रहा कि स्टेट बैंक में अपने खाते में कोई ब्लैक मनी रखेगा क्या? खाते में तो डाले ही उतना पैसा जाता है जो बिल्कुल चमचम चमचम सफेद हो, ये समझ तो डाकखाने के बाबू को भी है और चीफ सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी को भी है, पार्षद को भी है और लोकसभा के सदस्य को भी है श्रीवास्तव जी। लेकिन 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 आरोप तो सब लगा रहे हैं कि जिनके जिनके पास काला धन था, जिनके पास जिन्होंने पैसे रख रखे थे उन्होंने खाते में जमा किए, तो खाते में जमा किए तो उसका डिटेल आना चाहिए ना कि आखिर कितना पैसा इनके पास रखा था सांसदों विधायकों के पास, काला खाते में जमा किए हैं। श्रीवास्तव जी
मुझे आज तक मुझे आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने काला धन खाते में जमा किया हो। नहीं, काला धन खाते में नहीं जमा किया तो ये जो लोग कह रहे हैं, ये लोग भी तो जिनके लिए ये कह रहे हैं, ये भी तो सोना खरीदे होंगे। अगर ये बात सही है कि लोगों ने सब सोना खरीद लिया। ना, 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 ये बात ठीक नहीं। ठीक है, ठीक है शिवाल सिंह जी। जीशान हैदर काला धन फार्म हाउस खरीदने में लगाया जाता है, काला धन सोना खरीदने में लगता है, डायमंड खरीदने में लगता है, यूरो पौंड और डॉलर खरीदने में लगता है, डाकखाने में कौन रखता काला धन? जीशान हैदर, अमिताभ जी, आप हरीश जी को बेचारे को क्यों फंसा रहे हैं? बेचारे को पार्टी लाइन में उनको बोलना है, उनको भी पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ फिर से एक जुमला था, ये फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी की फिर से एक नाटक है। आप बताइए, आपने जो बात कही का वही 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 मेरे भी मित्र हैं बेचारे, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ, बेचारे बिना मतलब में फंस गए, उनको भी पता है कि काला धन कौन अपने अकाउंट में रखता है। अब हर इलेक्शन में एमपी एमएलओ को अपना ब्यौरा देना ही पड़ता है, एक नंबर के अकाउंट का जो भी पैसा होता है, आपने जैसे बताया उन तरीकों से रखा जाता है। हरीश जी कह रहे हैं कि लोग विपक्ष हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा था कि काला धन अकाउंट में जमा किया है। अरे भाई, आपने अपने एक नंबर वाले अकाउंट में नहीं जमा किया है, एक आपने अलग अलग अकाउंटों में जमा किया है। आपने चांदी डॉलर बताया है। हरीश जी क्या बात कर रहे हैं, विपक्ष को आपने क्या इतना बेवकूफ समझा है या हमें आपकी आपकी बिल्कुल बुद्धि पे भरोसा है? आप लोग बहुत प्यार से बड़े दिमाग से काम करते हैं। आप लोग कभी ऐसी कोई भी चीज नहीं करेंगे। आप लोग कभी ऐसी कोई मोदी जी और अमित शाह की कमान जनता ने आपको बताया है, बहुत अकलमंद हो गए। हिंदुस्तान की जनता क्या चाहती है? नंबर में पैसा देंगे अकाउंट में? भारत बंद के काल को पूरी तरह खराब किया जनता ने। मालूम है आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास तर्क नहीं है, तो आप भारत बंद और आक्रोश दिवस और ममता बनर्जी, वही मैं कह रहा हूँ अमिताभ जी, देखिए हरीश जी के पास बेचारे के पास तर्क नहीं है तो भारत बंद, आक्रोश दिवस, ममता बनर्जी, इधर उधर भटकाएंगे मुद्दे से, बट इस पे कैसे बात कर लेंगे अमिताभ जी? हरीश जी को भी पता है कि जो भी इनके भारतीय जनता पार्टी ने आज जो जुमला फिर से बोला है, माननीय मोदी जी ने बोला है, वो इमेज अपनी सही करने के लिए बोला है, क्योंकि जनता के सामने कमर खुल चुकी है। जिस तरह से बैकफायर किया है इनका, जो डिमोटेशन का इन्होंने चीजें लाए, जिस तरीके से लाए, आज 43 अमेंडमेंट कर चुके हैं जब से माननीय मोदी जी ने नोटबंदी की है। आप बताइए, ऐसा प्रधानमंत्री जिसको खुद नहीं पता है कि क्या क्या होएगा, आप नोटबंदी करने से पहले, इम्प्लीमेंट करने से पहले आपने पूरा इंतजाम किया होता? आज मोदी जी को भी पता है कि वो बुरी तरह बैकफायर कर गया है उनका जो इन्होंने नोटबंदी किया, क्योंकि एक भी लाइन में कोई भी काले धन वाला खड़ा कहीं नहीं मिला है पिछले 20 दिन में। ठीक है, जो मरे हैं वो गरीब ही मरे हैं हमारे साथ। जीशान भाई जी, जीशान भाई, एक 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 और मेहमान हमारे साथ में है, मोहम्मद अब्बास, ये सवाल पूछ ले। मित्र, मुझे ये बताओ, ऐसा बौड़म कोई है इस मुल्क में? ऐसा कोई बौड़म है क्या इस मुल्क में जो बैंक में खाता रखता हो और जिसे ये ना पता हो कि खाते में काला धन नहीं डाला जाता? खाता तो ऑनलाइन है, बैंक से डिटेल जाती है इनकम टैक्स को। आपने जो पर्सन, कोई कैसे भाग सकता जी, है? आपने जो पर्सन किया है, अब्बास साहब मैं सलाम करता हूं अमिताभ जी आपको। अमिताभ जी मैं सलाम करता हूं आपको कि आपने पूरी डिबेट का दूध और पानी का पानी अपने ही पर्सन से कर दिया। ये बिल्कुल सत्यता है और ये सिर्फ एक मजाक है। लोगों को दो चार दिन इसमें लगाया जाएगा, जो काले धन से माहौल बन रहा है उस माहौल को डाइवर्ट करने का। देखिए साहब, हम इतने पारदर्शी हैं, हम इतने साफ सुथरे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम तो अपनों का भी खाता खंगाल रहे हैं। ये सिर्फ उस कवायद भर से कुछ नहीं है, निसंदेह यही बात है कि जो काला धन रखता है, जो जनधन खाता वाला भी गरीब से गरीब आदमी रखता है कि गलत पैसा मत डाल दियो खाते में, तो डाल मत दियो। काले धन रखने के बहुत सारे स्रोत हैं और यही बात थी कि 90% सरकार मानती है कि 90% धन लिक्विडिटी धन नहीं है, गोल्ड, डायमंड और रियल इस्टेट और अन्य यूरो डॉलर हैं।
सिर्फ 10% काला धन था, जो मैक्सिमम हो सकता है किसी 50-100 करोड़ हो किसी ब्यूरो साहब पे, लेकिन 125 करोड़ की आबादी पर जो 100 और 500 और हजार का नोट था, 1500 का, उस 85% मुद्रा को मात्र 15% मुद्रा के हवाले करके जो देश में अफरा तफरी मचाई है कि साहब 50 दिन में देश को स्वर्ग बना देंगे, 100 से ज्यादा स्वर्गवासी हो चुके हैं, कितनों को स्वर्ग में भेजेंगे ये पता नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। अमिताभ जी मैं पुनः एक बार फिर सलाम करूंगा कि काला धन कोई खातों में नहीं रखता, काले धन के स्रोत क्या है ये सरकार जानती है, तमाम बेनामी संपत्तियों की जांच कराइए ना, दो दो तीन तीन रजिस्ट्री जिनकी वो कराइए ना, बड़ा काम वो है। ये 500 का नोट लेके गरीब आदमी जो खड़ा हो रहा है, कोई मजदूर मजदूरी करने को तैयार नहीं है। मेरे अपने घर पे पुताई चल रही थी, मजदूर को 500 रूपये दिए तो कहा साहब 500 रूपये बदलने के लिए एक दिन पूरा दिन लाइन में लगेंगे, फिर पूरा दिन अगले दिन जाएंगे, तो हम तो काम पे नहीं आ रहे, वो फैक्ट्रियां बंद हो रही है, सिर्फ चौकीदार जितने रखे जा रहे हैं क्योंकि बैठने को तनख्वाह नहीं है। इतने बुरे हालात इन्होंने पैदा कर दिए, अफरा तफरी मचा दी है पूरे देश में, और सिर्फ ये कि साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर रो लिए, आगरा में रो लिए, जब विपक्ष ने सवाल किया कि सरकार कर क्या रहा है अफरा तफरी, तो उन्होंने कहा कि साहब आगरा में रोए, पार्लियामेंट में रोए, और सरकार अपना काम कर रही है। तो सरकार अपना काम कर रही है, उसी कड़ी में ये जो विधायक और एमपी एमएलओ से मांगा जा रहा हिसाब है, ये उसी कड़ी की कार्रवाई है, सिर्फ टाइम काटने के लिए और ध्यान डाइवर्ट करने के लिए एक नया मुद्दा लाए हैं। अगर इन्हें कार्रवाई करनी है तो काले धन के स्रोतों पर, जहां गोल्ड छुपा है, जहां रियल एस्टेट के बड़े बड़े अड्डे हैं, उन सब पे करके, और गरीब आदमी जब सुखी होगा, वरना गरीबी हटाओ का नारा देकर आपातकाल इंदिरा गांधी जी ने भी लगाया था और देशभक्ति का नारा लगाया था, उसी तरह का घोषित आर्थिक आपातकाल माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लगा दिया है कि कोई इनके खिलाफ बोले के नोटबंदी, आपने गलत तरीके से की नोटबंदी का कोई विरोध नहीं, तो कहते हैं देशद्रोही है। ये तो अच्छी बात है कि देश का सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बहुत अफरा तफरी मच गई है, दंगे हो सकते हैं, इनकी हिम्मत नहीं थी तो सुप्रीम कोर्ट भी कहते थे कि ये भी सुप्रीम कोर्ट भी देशद्रोही है। जो इनके खिलाफ बिल्कुल तानाशाही रवैया है, एक दुनिया में 9 मुल्कों में नोटबंदी हुई है, कहीं आज तक कहीं भी सार्थक परिणाम नहीं है, और ये बिल्कुल अहंकारी और तानाशाहों का रवैया है कि पहले देशभक्ति देशभक्ति गाओ और फिर गरीब गरीब गाओ और फिर चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाकर देश को लूटने का काम कराया जाए। जी अमिताभ सर, आप आज जिस तरह से जी किसानों को बात साहब रोक रहे हैं, आपको रोक रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आ रहे हैं, चर्चा जारी है, बने रहिए हमारे साथ। आध्यात्मिक नगरी इलाहाबाद, जहां होता है गंगा यमुना सरस्वती का संगम, यहां एक खूबसूरत सपना जीवंत हो रहा है जो आकर्षक एवं भारतीय संस्कृति से भरा है। यूपीएसआईडीसी की सरस्वती हाईटेक सिटी। यूपीएसआईडीसी ने सरस्वती हाईटेक सिटी को कई जोन्स में बांटा है, जिसमें इंडस्ट्रियल जोन आय का प्रमुख स्रोत होगा, और यहां का आधुनिक सुख सुविधाओं से भरा रेसिडेंशियल जोन हर आय वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर बसाया जा रहा है। यहाँ के बेहतरीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आने वाले कल के नायकों की मजबूत बुनियाद बनेंगे। रिक्रिएशन जोन, जो संगम होगा इलाहाबाद की पुरानी विरासत और नई मनोरंजन सुविधाओं का, जहाँ के प्राकृतिक एवं स्वस्थ वातावरण में सांस लेकर आप तरोताजा हो जाएंगे। यूपीएसआईडीसी का सरस्वती हाईटेक सिटी, मतलब तरक्की की दस्तक, जहाँ सपनों को मिलेगी नई उड़ान। कभी धुएं से काजल करती है और कभी धूल मिट्टी से श्रृंगार, तपती धूप में सिकती है, बेइंतहा बारिश में भीगती है, पर पता नहीं कैसे इतनी खूबसूरत बनी रहती है। सारी परेशानियों को निगल जाए, लेकिन छुओ तो पिघल जाए। वीनस डीप मॉइस्चर, इसके स्किन न्यूट्रिएंट्स और नेचुरल क्रीम त्वचा को दे गहराई का पोषण और रखे मक्खन सी मुलायम। वीनस, रोज मक्खन सी मुलायम त्वचा। कुछ घरों में सुबह होती है जोर से, दादाजी चले वॉक पे, बच्चे चले स्कूल, जाके जाके आगे आगे,
यहाँ दिल जिंदगी के उतार चढ़ाव से डरता नहीं। ये कुक एंड फ्राई घर है, यहाँ सब दबा के खाते हैं। कुक एंड फ्राई रिफाइंड सोया ऑयल, फिट एंड फाइन जिंदगी के लिए। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बड़ी मस्त है बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी। इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट और टेस्ट में बड़ी मस्त है। है मजा से हट भरा गोल्डी हींग का तड़का, गोल्डी की हींग श्रृंखला जिसके कण कण में जान है। गोल्डी हींग, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मैडम टमाटर को एक्सरे की नजर से देखती हैं। लिपस्टिक के एक शेड के लिए 20 शेड्स ट्राई करती हैं। फर्श के हर इंच का इंस्पेक्शन करती हैं। मैडम एक बात पूछूं आपसे? आप हर चीज में डिटेल ढूंढते हो, तो फिर एंटरटेनमेंट में क्यों नहीं? असली HD चैनल्स देखने के लिए बुक अ न्यू वीडियोकॉन D2H HD कनेक्शन एट जस्ट ₹1820। वीडियोकॉन D2H। ये खुशबू सुबह में है, ये खुशबू हवा में है, खुशबू चल रही है सबको साथ लेकर। तिरंगा अगरबत्ती, देश की खुशबू। इमेज बिल्डिंग की एक्सरसाइज है क्या ये? संसदीय बोर्ड की बीजेपी की एक बैठक होती है, उसके बाद फैसला ये होता है कि MLA और MP अपने ब्यौरा देंगे, यानी कि स्टेट बैंक में जो उनका खाता है उसमें जितना जमा है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को ब्यौरा देंगे कितना उसमें जमा है। लेकिन क्या कालाधन इसमें जमा है, सवाल ये हो रहा है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे प्रधान संपादक अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ सर, सीधे आपके पास आ रहे हैं, क्या समझा जाए? मैं हरीश जी से एक प्रश्न पूछ रहा था जी। इनकम टैक्स और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पिछले 5 साल के देश भर में मारे गए छापों का मैंने मूल्यांकन किया, विश्लेषण किया। हरीश जी, एक भी केस ऐसा नहीं मिला जिसमें बैंक अकाउंट में काला धन इनकम टैक्स या ED ने पाया हो, एक भी नहीं मिला। काला धन दूसरे फॉर्म्स में मिला। और एक ताजा उदाहरण दे दूं, उसी पर आप उत्तर दे दीजिएगा। यादव सिंह के यहां छापा पड़ा था, जितना हमारे आपके घर में जीरा नहीं होगा 2.5 किलो, उनके यहां हीरा निकले थे 2.5 किलो, और बाहर एक गाड़ी खड़ी थी उसकी डिक्की में 12 करोड़ पड़े थे, रखे नहीं थे, पड़े थे। उनके भी खाते में कुछ नहीं था, खाते में जो 70,000 रुपया उनकी तनख्वाह थी वही आता था। हरीश जी, नहीं ठीक है अमिताभ साहब, ये बात आपकी सही है कि कोई अपने बैंक खाते में काला धन नहीं रखेगा, उसके बावजूद भी काला धन जिस परिधि में आता है उसके बावजूद भी ये ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए ना कि जो पब्लिक लाइफ में लोग हैं, पब्लिक लाइफ में जो हैं उनकी जो उनकी ट्रांसपेरेंसी तो लोगों अच्छा के होनी चाहिए। लेकिन उसका नोटबंदी से ताल्लुक नहीं, जो आज लेकिन उसका नोटबंदी से कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो कहता हूँ हर महीने जो नोटबंदी नहीं, लेकिन नहीं, लेकिन अमिताभ नहीं, अमिताभ साहब ये तो पहले भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था, भारतीय जनता पार्टी जितने सांसद हैं उनको कहा था कि अपनी संपत्ति का ब्यौरा आप दें, और पहले ही मांगा था, सबसे लिया था। ये कोई नई पहल नहीं है, नई बात नहीं है। सबको देना चाहिए, कांग्रेस को भी, बसपा को भी, सपा को भी, टीएमसी को भी, JDU को भी, सबको। भारतीय मैं इस पक्ष में हूं, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने अपने लोगों के लिए लागू किया है, बाकी दलों का क्या है वो जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने दल के
कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए जो मूल्य मानक का वो निर्धारित किया है प्रदेश में उसी के तहत उन्होंने मांगा। उनके यहाँ छापा पड़ा, उनके घर में 400 करोड़ रुपया निकला था, 400 CR, लेकिन उनके भी खाते में मेरे ख्याल से पौने 2 लाख रुपया था दोनों खातों में मिला के। हैदर साहब, वही जो सैलरी आती थी वही थी जी। अमिताभ जी मतलब हरीश जी कह रहे हैं कि बाकी, अरे भाई हरीश जी आपकी पार्टी का नहीं पता भाई, हमें तो ये तो संविधान में लिखा हुआ है कि आप एमएलए एमपी एमएलसी किसी की भी कभी इलेक्शन लड़ेंगे तो आपको अपना बही खाता तो जमा करना पड़ता है। अब तो मीडिया उसको जो भी इलेक्शन जिस विधानसभा लोकसभा से जो भी लड़ रहा होता है एक एक चीज वाल, तो एक नंबर का खाता कहां से आप मतलब मोदी। देखिए अमिताभ जी, मुझे बार बार लगता है जिस तरह से मैं पहले भी कह चुका हूं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो डमरू लिए हुए हैं, दूरंदेश है नहीं वो बेचारे, डमरू बजाया करते हैं, कुछ नया लाते हैं और हमेशा मतलब ऐसी सतही चीजें लेके आते हैं जो मतलब आप ये हास्यास्पद बात है कि आप कह रहे हैं कि खाते अपने, अरे भाई आपके खाते जब आपके एमपी इलेक्शन लड़े सब सबने जमा किए, आज की डेट में जिस तरह सबको पता है कि दो नंबर का पैसा जो है वो कोई अकाउंट में नहीं रखता है, तो ये क्या है। अब्बास साहब ने जो बात कही बहुत हद तक सही है कि मन दिमाग डाइवर्ट करने के लिए कि हाँ देखो नोटबंदी में ऐसा हो गया, हम देखो कितने पास साफ है, हम कितने दूध के धुले हुए, हमने सारे एमपी एमएलए की एक रिपोर्ट जारी कर दी कि आप लोग अपना, अरे जनता आप समझती है नरेंद्र मोदी जी, 2.5-3 साल आपने खूब बेवकूफ बना दिया जनता को, जनता समझ चुकी है अच्छी तरह से कि आप ये सिर्फ और सिर्फ नाटक है, और क्यों ये नाटक आप कर रहे हैं, ये तो इससे मतलब कोई भी मतलब आज की डेट में हर आदमी को ये पता है कि उनके आप डेटा निकाल लीजिए, इंटरनेट हर चीज मिल जाएगी। आप मैं बहस को जी ठीक है, मैं बहस को दूसरी तरफ ले जाता हूँ। जीशान हैदर एक मिनट रुकिए मित्र, मैं बहस को दूसरी तरफ ले जाता हूँ। बरेली में एक तेल का व्यवसाय करने वाली कंपनी है, एक तेल का व्यवसाय करने वाले सज्जन है, बड़ा कारोबार। उन्होंने नोटबंदी के बाद भारी मात्रा में बड़े नोट जो बंद हुए थे वो जला दिए। कल से वो बड़े दुखी हैं, हरीश जी सुन लो, वो बड़े दुखी हैं, अपना सिर दीवार में मार रहे हैं। अब्बास साहब आप भी सुनो, वो अपना सिर दीवार में मार रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर मुझे पहले पता होता कि 50-50 आना है तो मैं नोट काहे जलाता। अब्बास साहब, अमिताभ जी इसमें मैं एक जवाब इसमें देना चाहता हूं कि मतलब आप सोचिए, जिनको दंड देना चाहिए आपने कह दिया कि आप 50% नोटों पे जो है आपको 50% वो मिल जाएगा। उन्होंने मतलब बड़ा अच्छा काम किया, जो ब्लैक मनी बचा के रखी है अपने पास वो दंड के पात्र हैं, आप उनको 50% आप कह रहे हैं कि 50% आपका माफ कर दिया जाएगा, 50% वाइट हो गया। तो हमें समझ ही में नहीं आता है किस तरह काला धन वालों को समय याचित ही करना था तो फिर इतनी लंबी लाइन क्यों लगवाई लोगों की देश की। अब्बास 100 से ज्यादा लोगों को स्वर्गवासी कर दिया, अगर आपको 50% ही देना था। जी जी अमिताभ जी बोलिए, अब्बास साहब बोलिए। हाँ अमिताभ जी बोलिए। नहीं नहीं मैं वही पूछ रहा हूँ, वो रो रहे हैं लोग जिन्होंने अपने पैसे नदी में फेंक दिए या जला दिए, वो कह रहे हैं कि ये पहले कर देते तो ये पैसा बर्बाद तो नहीं होता, नदी में बहा दिए जला दिए। हाँ नदी, हाँ ये वही सारे सिस्टम है सिर्फ लोगों को गुमराह करने का। अभी तो पता नहीं क्या क्या चमत्कारी लोग हैं, क्या क्या नए नए सरकार ने अवसर दिया था तो मुझे वो काला सरकार ने एक मिसाल याद आती है अमिताभ जी, याद आती है। अब आप बताइए हरीश जी मेरी बात पूरी, अभी मेरा सवाल है, मेरी बात पूरी होने जा रही थी। उन्होंने हरीश जी मेरी बात तो सुन लीजिए, क्यों काला धन जमा रखा नदी में डालने के लिए। देखिए हरीश जी मेरी बात सुन लीजिए, वो भी आप लोगों के पास निकला, गरीब गुरबा किसानों की पार्टी काला धन आया, सरकार ने जो अवसर दिया था उसका लाभ उठाया। ठीक है हरीश जी, मोहम्मद अब्बास साहब प्लीज कंटिन्यू। हरीश जी बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी की मिसाल है, कुछ जंगल की तरह है, हंगामा है तो केवल नहीं। अभी हरीश जी चुप है तो मैं बोलूँ ना, अमिताभ जी के सामने मैं इस तरह की डिबेट नहीं चाहता। ठीक है अब्बास साहब बोलिए, डिबेट के मायने और बोलिए, चुप हो गए।
एक मुझे नरेंद्र मोदी जी की इस पूरी प्रकरण पे नरेंद्र मोदी जी की भाग दौड़ पे मुझे एक वो याद आती है कि एक जंगल में एक शेर का रास्ता और बहुत सारी उसकी समस्याएं थी। एक बंदर ने कहा कि मैं सब समस्याओं से निराकरण कर दूंगा, यहां रामराज ला दूंगा। फिर वही हुआ, बंदर के जुमलों से सब प्रभावित हुए और बंदर को राजकाज सौंप दिया, समस्या जस की तस हुई। शेर ने कभी किसी का पकड़ लिया, किसी ने पकड़ लिया। जिस तरह से सीमाएं सुरक्षित करने की बात थी, जिस तरह से काला धन वापस आने की बात थी, जिस तरह से अच्छे दिन आने की बात थी, जिस तरह से इकोनॉमी को बहुत आगे बढ़ाना था, लेकिन जब ये सब कुछ नहीं हुआ तो बंदर ने सिर्फ यही कहा कि अगर हो कुछ नहीं रहा तो बंदर जब समस्या सुनता था तो एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ और पूरे जंगल में भागा भागा फिरता था। अंत में जब लोगों ने पूछा समस्या क्या हुआ, बातें तो जुमला हुई, बंदर ने कहा, रो के कहा, भावुक होके कहा कि हो जाए कुछ भी, मेरी भागदौड़ में कहीं कभी हो तो बताओ। यही हो रहा है, समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ। नोटबंदी 8 नवंबर को की थी, कहा था सीमाएं सुरक्षित हो जाएंगी। अमिताभ जी बताइए सीमाओं पर कोई कार्य जारी नहीं होगा, अब रुकना होगा। हरीश जी काले ठीक अब्बास साहब, अब रुकना होगा मित्र। हरीश जी, 8 तारीख की रात हुकूमत हिंदुस्तान के प्रमुख ने जिन नोटों को रद्दी का टुकड़ा बता दिया, वो नोट 28 नवंबर आते आते 50% में दौड़ने लगे। क्यों? जो नोट 8 नवंबर की रात 8 बजे रद्दी का टुकड़ा घोषित हो गया, वो 28 नवंबर को कौन सी मजबूरी थी कि वो 50% रेट पर चलने लगा, बाजार में दौड़ने लगा? हरीश भाई, देखिए अमिताभ साहब, सरकार ने बार बार अवसर दिए, 50% जिन लोगों ने काला धन जमा कर रखा था, जिन लोगों के पास ये आज जो गरीबों को लाइन में क्यों लगाया फिर आपने? जो प्रलाप कर रहे हैं विपक्षी दल के मित्र हमारे, जिनको जैसे सन्निपात में आदमी प्रलाप करता है तो क्या बोल रहा है उसको? प्रलाप क्या कर रहे हैं? 50-50 पूरे विपक्ष। सवाल ये है कि जनता लाइन में क्यों? जिनको ये नजर नहीं आया कि बार बार भारत सरकार ने अवसर दिया कि लोग काला धन देश के विकास के काम लाभ तो दे लिए, सिर्फ आज की डेट में माननीय नरेंद्र मोदी काले धन को सफेद करने के लिए जो सरकार ने योजनाएं दी उसमें जो लोग पूरे विश्व भागे भागे फिर रहे हैं, जो लोग आज भ्रष्टाचार रोज नई नई बातें करते हो, भ्रष्टाचार के साथ खड़े हैं, सबसे ज्यादा परेशान हो। करने की योजना क्यों दे? भ्रष्टाचार अगर काले धन वालों को जेल में डालिए, उनका सारा धन जब्त करके खजाने में रखिए, ये योजनाएं देते क्यों हैं आप? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से सरकार वो भी कदम उठाने जा रही है और पहले भी मौका दिया, आज ये जो लोग मौका मांग रहे थे अमिताभ साहब, जो लोग मौका मांग रहे थे कि 7 दिन का और मौका दे दीजिए, अरे हम तो गरीब कदम आपने ठीक उठा, लेकिन मौका और 7 दिन का दे दीजिए, वही लोग प्रलाप कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपने काले धन को लेकर के, मैंने कभी नहीं कहा मौका दो, वो अपने काले धन को बचाने के लिए 7 दिन का मैं गरीब मरा है, इधर उधर की नादानी है, गरीब इधर उधर की नादानी मरा है, काफला लूटा काले धन वालों को, मुझे रहमतों से कुछ नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हरीश जी, 100 से ज्यादा स्वर्गवासी और काले धन वालों से 50-50। ठीक है अब्बास साहब, हरीश श्रीवास्तव जी, सरकार ने जो सरकार को फीडबैक मिले, जो जी कंटिन्यू सरकार को जो फीडबैक मिले, सरकार को जहां जो निर्णय उचित लगा सरकार ने वो निर्णय जी। हरीश जी कहिए, निर्णय तो सारा देश देख रहा है कि उर्जित पटेल जो एक लाइसेंस मांग रहा था बैंक का, उसको आरबीआई उसके हवाले कर दिया। जीशान हैदर, जियो का सिम 2 करोड़ आईडियो के साथ 30 दिसंबर की तारीख। ठीक है हरीश भाई, ठीक है अब्बास रुकिए, मोहम्मद अब्बास रुकना होगा। जीशान हैदर, मैं समझ नहीं पाता, जो अपराधी है, जो भारत के गरीब आदमी का गुनहगार है, काला धन वाला,
उसको जरूरत थी जेल में डालने की, उसका पैसा जब्त करने की, ये क्षमा या क्षमा की योजनाएं बार बार क्यों? 70 लोग मर गए सड़क पर बैंक की लाइन में, ये कुर्बानी क्यों किशन हैदर? अमिताभ जी मुझे सवाल सुनाई नहीं दिया, कृपा क्यों हुई है? मैं ये कह रहा हूं 70 गरीब लोग देश में बैंक की लाइनों में मर गए, ये काले धन वाले लोग गुनहगार हैं हिंदुस्तान के आम आदमी के, गरीब के, गांव के, खेत के, किसान के, इनको जेल में डाला जाना चाहिए था, इनके लिए नई स्कीम क्यों? अमिताभ जी यही मैं बार बार कहता हूं कि ऐसा प्रधानमंत्री जिसके पास दूरंदेशी नाम की चीज नहीं है, 42 अमेंडमेंट कर दिया, आज आप कह रहे हो कि काला धन वाला आओ काला धन जमा कर दो 50% पैसा ले जाओ, आपने 2 मिनट में काला धन सफेद धन कन्वर्ट कर दिया, क्या मतलब है? आज हजारों लाखों लोगों की शादियां टूट गई, लोग खाने को तरस रहे, लाशें नहीं ले पा रहे अपने मरने वालों की, गरीब लोग, आज मजदूर लोग जो बिहार से और झारखंड से आए हुए थे वो वापस लौट गए क्योंकि पैसे नहीं, आप काले धन वालों को सफेद कर रहे हो, उन्हीं की वजह से ये मौतें हुई है, कौन उनका जिम्मेदार है? उनके जिम्मेदार माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी है, आज उनकी मौतों के कौन जिम्मेदार है? अमिताभ जी मैं बार बार पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्रों से, लेकिन इनके पास जवाब नहीं होता, ये गोल गोल घुमाते, और आज आपने उन्हीं काला धन वालों का सफेद धन करना शुरू कर दिया, क्या मजाक बना रखा है आपने? अगर आपको यही करना था तो पहले दिन से क्यों नहीं लागू किया इस चीज को? इसका मतलब काला धन आप ला नहीं पा रहे, आपने जो भी चीजें बनाई थी वो आपने फुल प्रूफ नहीं बनाया था प्लान, जिसकी वजह से वो पूरी तरह बैकफायर कर गया, आज की डेट में काला धन आप नहीं ला पा रहे हैं, तो आपको ये सब करना पड़ रहा है, तो कौन इसमें सफर किया? 20 दिन से जो लोग लाइनों पे खड़े हुए हैं भूखे प्यासे बेहोश हो रहे हैं मर रहे हैं, मैं सरकारी आंकड़ा कहता है कि 85 मरे हैं, पता नहीं कितने लोग पूरे हरीश जी क्या होंगे? आप ठीक है जीशान भाई, थैंक यू, आपकी बात आई। हरीश जी क्या आपको आपकी अंतरात्मा को लगता है कि काला धन वालों को दिया गया ये एक और मौका उचित था? देखिये अंतरात्मा से ये अमिताभ साहब, ये जो भी आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, जिन लोगों ने इस फैसले को लिया होगा निश्चित रूप से उचित समझ करके निर्णय लिया होगा, और मैं आर्थिक क्षेत्र का व्यक्ति नहीं हूं तो इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा तकनीकी टिप्पणी नहीं कर सकता, परंतु निश्चित रूप से सरकार ने आर्थिक विशेषज्ञ और जो इस क्षेत्र के लोग हैं उनसे परामर्श करने के बाद ही ये निर्णय लिया होगा। हरीश जी और आज जो अभी निशान साहब जो बात कर रहे हैं, देश कलावती की बिटिया की शादी टूट गई, रामलाल मर गया सड़क एटीएम की लाइन में, और हमने एक स्कीम दे दी काला धन वालों के लिए जो गुनहगार है, जो अपराधी है। अमिताभ साहब इस देश की जनता, इस देश से भ्रष्टाचार के सफाई के लिए, इस देश से बहुत अच्छा भ्रष्टाचार कर रहे हो, कुछ तकलीफ मंगल सूत्र बेचकर, आज आप देखिए कि मंगल सूत्र बेचकर लाशें लेनी पड़ी, जवाब मंगल सूत्र बेचकर लाशें लेनी पड़ी, जवाब लेकर ममता बनर्जी हूँ उनके उनके भारत बंद के काल को जिसने जवाब किया पूरी तरह, वो इन सबको जवाब दिया है, इन सबकी आंखें खुलनी चाहिए, इनकी सोच बदलनी चाहिए, और जवाब आंकड़ों से रैली ममता जी की रैली उनपे पहुंच जाते हैं, एक आम जनता नहीं नहीं ये बार बार आप समझिए बार बार ये उसी में पहुंचे जा रहे हैं, ये इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ये गोल गोल घुमा रहे तब से बार बार के जनता ने ये कर दिया, ममता बनर्जी फ्लॉप हो गई, आक्रोश रैली फ्लॉप, अरे सब फ्लॉप हो गया, आप ये बताइए जो आपने किया वो हिट है? जो इतने लोग मरे ये लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, देश की जनता आदरणीय मोदी जी के निर्णय की समर्थन कर रही है, उनके साथ खड़ी है। हरीश जी मैं एक सवाल और, अमिताभ जी मैं एक सवाल हरीश जी से और पूछना चाहता हूँ, जो 100 के लगभग लोगों की मौतें हुई हैं, आप कहते हैं कि देश बनाने के लिए उनकी मौतें हुई हैं, क्या आप उनको शहीद का दर्जा देंगे? आप देंगे उनको शहीद का दर्जा?
आप कहते हैं देश बनाने के लिए उनकी मौतें हुई हैं, बोलिए अरिजीत इसका जवाब दीजिए। देश बनाने के लिए लोग नहीं होगा जवाब आपके पास, आप लोगों को घुमाएंगे क्योंकि आपके पास बात को समाप्त करने के लिए हो गया, समाप्त करने के लिए सीमाओं पर कोई नहीं हो रहा जो चल रहा था। अब बात आप सुन लीजिए प्लीज, और आप उनसे पूछे तो लोग कहते हैं हम मोदी जी के साथ हैं। हरी जी वाजिब सवाल था, जवाब तो बनता ही है प्लीज जी। हरीश जी मसला मोदी जी के साथ और मौसी जी के खिलाफत का नहीं, मसला राहुल गांधी के साथ और राहुल गांधी के खिलाफत का नहीं, मसला मुलायम सिंह जी के साथ और उनकी खिलाफत का नहीं, मसला देश का है मित्र। नेता तो आते जाते रहेंगे, देश तो हमेशा है। क्या ये 150 नेता 135 करोड़ का हिंदुस्तान है हरीश जी? नहीं ठीक है, देश सबसे बड़ा है, देश सबसे महान है, देश सबसे बड़ा है। मिताब जी कहां से जवाब दे देंगे ये? अब्बास साहब मेरा प्रश्न वही, जो अपराधी है उसको बार बार बंद हो गए साहब, बच के निकलने की योजना क्यों थमाई जाती है? उसको जेल में डालो, उसका सारा पैसा प्रॉपर्टी सीज करो, क्या दिक्कत है? देखिए मेरा तो ये भी कहना है कि जो बड़ा आर्थिक अपराधी हो उसे फांसी क्यों नहीं, ये भी कदम सरकार जितने देश को लूट रहा है फांसी क्यों नहीं? सुन लीजिए आप प्लीज, जब जवाब देने की बारी हो समाजवादियों की हमेशा लड़ाई, हमेशा लड़ाई काले धन वालों से रही है, अपराधियों को फांसी क्यों नहीं? जब मामूली चोरी में जेल 6-6 महीने की जेल कटते हैं तो इतनी बड़ी चोरी वाला जेल से बाहर क्यों? 50-50 की पार्टनरशिप क्यों? गरीब आदमी मंगल सूत्र बेचकर लाशें मिली, बच्चों को दूध नहीं मिला तो मर गया, अस्पताल में सिसक तरह मर गया, शादियां टूट गई, और अगर हुई तो जिस मां बाप का यह करवान था कि अपने बच्चों की अपने लाल की शादी करेंगे, उन्होंने किस व्यवस्था से कि अच्छे दिन आएंगे, ठगने का काम किया, अपने सारे काम पूरे का काम किया, नौटंकी की, देश में आतंकवाद खत्म हो जाएगा, सब साथ है आतंकवाद खत्म करने के, पर क्या नोटबंदी की प्रक्रिया से कोई आतंकवाद में कमी आई? किसी चीज में कमी नहीं आई, ये बरगलाना जानते हैं, क्योंकि ना तो ये विकास कर सकते ना काला धन ला सकते, अब ये देश में अफरा तफरी मचाकर, और सबसे बड़ा तुर्रा ये कि इनके इन घिनौने कामों का अगर विरोध करे तो देशद्रोही डिक्लेयर कर देते हैं। देशभक्ति का इतना बड़ा लाइसेंस इनके पास कि जरा सा कोई विरोध करे कि साहब ये तो देशद्रोही लोग हैं, साहब ये तो आतंकियों को पनाह देने वाले हैं, हम हैं सबसे पहले तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले हैं। मोहम्मद अब्बास रुकिए, हरीश जी ठीक है, मोहम्मद अब्बास आपकी बात आ गई। हरीश जी नोटबंदी का निर्णय जब हुआ 8 तारीख को तो देश दुनिया के सोशल मीडिया ने सरकार के इस कदम की सराहना की, मैंने भी समर्थन किया, लेकिन कल का जो निर्णय है 50-50 वाला, इसकी मुखर आलोचना हो रही है सोशल मीडिया पर, क्या पार्टी की निगाह उधर गई है हरीश जी? निश्चित रूप से जो चीजें आ रही हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे आ रही हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया पे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सबको सरकार सेंस करती है, सबका ये जो ओपिनियन जो आती है उस पर सरकार विचार करती है। सरकार के मन की बात कहां गई? रोज मन की बात सुनाते हो, विचार की बात सुन रहे हो, 2 दिन बाद मन की भी बात आई थी, आपने सुना नहीं? हमने सुनी मन की बात। अरे अब्बास साहब बीच में नहीं बोली। हरीश जी 48 घंटे के भीतर पूरे हिंदुस्तान में तनख्वाहें बटेंगी, कहां से बटेगा पैसा सोचा है हरीश जी? देखिए अमिताभ साहब, सरकार ने पहले भी, प्रधानमंत्री जी ने पहले भी ये कहा कि कैशलेस सिस्टम की तरफ भारत बढ़ रहा है, और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जो कैशलेस वो है डिजिटल बैंकिंग है, उनके माध्यम से सरकार ये प्रयास कर रही है कि जितना
कैशलेस ट्रांजैक्शन होगा, उतने ट्रांसपेरेंसी आएगी, उतने भ्रष्टाचार समाप्त होगा और उतने ही ये लोग जो कमाई है, जिनकी ज्यादा कमाई है वो टैक्स देंगे और वो टैक्स देश के विकास के काम में आएगा, गरीबों के कल्याण के कार्यक्रम में आएगा। दो दिन में तो भारत कैशलेस हो नहीं सकता हरीश जी, दो दिन में पूरा भारत डिजिटल मनी के फॉर्म में नहीं जा सकता। तनख्वाह तो दो दिन बाद बटनी है, अब क्या होगा? नहीं नहीं अमिताभ साहब बिल्कुल नहीं जा सकता, लेकिन आप जब कभी न कभी तो ये निर्णय लेंगे, अगर उस तरफ बढ़ना है, अगर भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो कभी न कभी तो आप निर्णय लेंगे और जो आप निर्णय लेंगे तभी लोग उसको दो दिन बाद क्या होगा अभ्यास करेंगे उसके। मैं दो दिन बाद की पूछ रहा हूं हरीश जी, दो दिन बाद जब तनख्वाह नहीं मिलेगी आदमी को, मजदूर को, गरीब को, वो क्या करेगा? मैं ये पूछ रहा हूं मित्र। नहीं, सबको तनख्वाहें मिलेंगी अमिताभ साहब, सबको तनख्वाहें मिलेंगी और सबको वेतन मिलेगा, इसकी चिंता करने किसी की जरूरत नहीं है। जिसकी तनख्वाह 50,000 होगी 2,000 रुपए क्या बैंकिंग सिस्टम जो आज मुझे दिखाई दे रहा है वो इतना सक्षम है कि पूरे हिंदुस्तान को तनख्वाह बांट ले? अमिताभ जी, पूरा बैंकिंग सिस्टम इस वक्त कोलैप्स हो चुका है, आपको भी पता है, सारे एटीएम आप भी रिहायशी इलाकों में घूमते होंगे, निकलते होंगे, एक एक एटीएम के शटर आपको डाउन मिलेंगे, पैसा एटीएमों में नहीं भरा जा रहा है, लाइन में लोग लग रहे हैं, वहां तक पहुंचते कहते हैं पैसा नहीं है। क्या बात कर रहे हैं हरीश जी को? दो दिन बाद जब जिस दिन सैलरी मिलनी है उस दिन अमिताभ जी जरूर इन्वाइट करिएगा, इसी स्टूडियो में मैं भी आऊंगा और हरीश जी मुझे बताएंगे उस दिन के कैसे उन्होंने, अरे आप अभी पैसा नहीं दे पा रहे लोगों को, अभी जब आपके ऊपर लाखों करोड़ों हजार का जो है बोझ आएगा, दो दिन बाद आप कहां से दे देंगे? आपकी प्रिंटिंग मशीन में इतना पैसा ही आप प्रिंट नहीं कर पा रहे हो, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? देखिए मसला क्या है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने नेता मित्र हैं इस वक्त, जितने प्रवक्ता हैं, उन सबका एक ही टेप बज रहा है और कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास तर्क नहीं है, उनको भी मालूम है कि जिस तरह से चीजें की गई हैं ये गलत है, अंदर खाने उनको भी पता है, लेकिन उनको अपनी पार्टी का पक्ष रखना है, उनको अपनी पार्टी के साथ खड़ा रहना है, उसके साथ से अमिताभ जी ये लोग कैसे काले धन की बात करते हैं, काला धन इनको एक तरफ कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म करेंगे काला धन लाएंगे, आप विजय माल्या को यहां से आप उसका वेव ऑफ कर देते हैं कितने करोड़ रुपए, आप अडानी को हजारों करोड़ रुपए आरबीआई से लोन दिला देते हैं, आपको पंजाब में 14,500 करोड़ रुपए का ड्रग्स रैकेट चल रहा है, उसकी कोई फिक्र नहीं, वहां पे पंजाब में आपकी सरकार है, आपके दो दो तीन तीन मंत्री वहां पे आपने खुद हटाए हुए, वहां पे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कहते हैं काला धन बाहर से लाएंगे, वहां से आप कुछ नहीं ला पाए, आप क्या बात, ये तुगलकी फरमान माननीय नरेंद्र मोदी जी एक हिटलर शाही की राजनीति कर रहे हैं, वो आते हैं मीडिया के सामने। मोहम्मद अब्बास, समय कम है, संक्षेप में बताइए, मुझे संक्षेप में बताइए, क्या हमारे बैंक तनख्वाह बांट लेंगे अच्छे से? साहब, बैंक 100% फेल होंगे, इसलिए यशस्वी मुख्यमंत्री ने 10,000 रुपए कैश बांटने का फरमान उत्तर प्रदेश कर्मचारियों के लिए कर दिया है। हमें मालूम है कि तनख्वाह नहीं बांट पाने की बड़ी अफरा तफरी मचेगी और 100% ये सिस्टम कोलैप्स होगा। इन सब चीजों के मद्देनजर मुख्यमंत्री जी ने 10,000 रुपए प्रत्येक कर्मचारी को नगद देने का फैसला किया। अरे जो सरकारी नहीं है वो कहां जाएगा? अरे मुख्यमंत्री ने सरकारी के लिए बोला होगा, जो सरकारी नहीं है वो कहां जाएगा? जानने वाले जिन्होंने चौकीदारे को छोड़कर वो कहां जाएगा? वो तो तबाह बर्बाद है, लोगों ने चौकीदार टाइप कर करके छोड़ दिया कि भाई जब काम धाम होगा जब होगा ठीक है, अपने 30 नवंबर तक का हिसाब करो और जाओ, और वो भी पुराने नोटों में दे रहे, नए नोट कोई नहीं दे रहा, नए नोट की तनख्वाह कोई कंपनी नहीं दे रही है, बड़ी अफरा तफरी है, जिसे पुराने नोट लेने हो लो, लिमिटेड कंपनी है जिनका बैंकिंग सिस्टम है वो तो जरूर कुछ करेंगे, लेकिन कैश कोई नहीं दे पाने का ने निकाल दिया। अमिताभ जी 14,000 इंप्लॉय एलएनटी ने निकाल दिए, लार्सन टर्बो को देखो ना 14,000 इंप्लॉय 14,000
परिवारों की बद्दुआ नहीं पड़ेगी क्या? आज अमिताभ जी आपको बेरोजगार कर दिए। अमिताभ जी आज आपको भी पता होगा किस तरह से जीडीपी रेटिंग के लिए वो आई है कि कितनी जीडीपी रेटिंग गिरेगी इसके बाद डिमोनेटाइजेशन के बाद। संपादकीय टिप्पणी के लिए हम लोग जा रहे हैं अमिताभ सर प्लीज। एक उदाहरण दूंगा हरीश भाई, ध्यान देंगे तो अच्छा लगेगा। नोएडा में अकेले नोएडा में जो रेडीमेड कपड़ों का कारोबार करते हैं लोग बनाने का, उस बिजनेस में 1,00,000 लेबर लगा हुआ है, 1,00,000। उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा एम्प्लॉयर कह रहा, मालिक कह रहा है पुराने में लेना हो तो ले ओ, नहीं तो जाओ। क्या होकर है वो गरीब? 5,000 से 15,000 तक के बीच का लेबर है, वो कहां जाए? उर्जित पटेल के घर भेजू उसको, आरबीआई के दफ्तर भेजू, वित्त मंत्रालय भेजू, नॉर्थ ब्लॉक कहां भेजू? गाजियाबाद में 2,50,000 आदमी छोटे कल कारखानों में काम करता है, उनके मालिकों ने कह दिया नए नोट की उम्मीद मत करना। उस गरीब का खाता नहीं, खाते में लेना भी नहीं चाहता, दोनों बातें हैं। 48 घंटे में हिंदुस्तान डिजिटल मनी के लायक बन नहीं सकता, गांव में बिजली नहीं। और एक आंकड़ा बताऊं हरीश भाई के संज्ञानार्थ, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं, बहुत भले व्यक्ति है हरीश भाई, लेकिन एक आंकड़ा बताऊंगा। 2 करोड़ क्रेडिट कार्ड पूरे देश भर में, 2 करोड़, और 66 करोड़ डेबिट कार्ड, ये एक एक आदमी के पास 3-3, 4-4, तो कुल मिला के 17-18 करोड़ लोगों तक इसकी पहुंच। अब आबादी है इतनी बड़ी, कैसे होगा? और जहां कायमगंज में, खिमसेपुर में, तालबेहट में, बड़ा गांव में, उसमें हरदोई के मल्लावा में जहां पर बिजली नहीं आ रही, ऐसे देश के तमाम इलाकों में, वहां कौन बैंकिंग सिस्टम नेटवर्क काम करेगा? तो मेरा प्रश्न कल क्या होगा उस पर नहीं था आज। मेरी चिंता थी 48 घंटे बाद हिंदुस्तान कहां खड़ा होगा। बैंक का मैनेजर तो शटर डाल देता है, कहता है कैश नहीं है, मकान मालिक को पैसा चाहिए, परचून वाले को उधारी पिछले महीने की चाहिए पूरी, तब अगले महीने उधार देगा। क्या हमने ये सोचा है? और एक दूसरी बात, आपने ये कदम ठीक उठाया, खातों की जानकारी देनी चाहिए अमित भाई साहब को, जो पूरे देश को दो, और मैं कहूंगा जितनी पार्टियां हैं सब दें जी, देना चाहिए। आप लोग जनता के सेवक हैं, अपने मालिक को बताइए कि क्या क्या खेल हो रहा है खातों में। अच्छी बात है, मैं मोदी जी के इस कदम के साथ हूं, लेकिन माफ करिए, मैं ये स्कीम नहीं समझ पाया कि 50-50 कर लो। एक बिस्कुट आता था, अब पता नहीं आता कि नहीं आता, 50-50 नाम से आता है सर। मैंने तो बिस्कुट देखा, कुछ मीठा होता था कुछ नमकीन। ये अर्थशास्त्र में भी 50-50, ये क्या बवाल है, क्या माजरा है भाई? मैं फिर कहूंगा बहुत भरे मन से हरीश जी, बहुत आहत मन से, गरीब लाइन में लग के लाठी खा रहा है। आज बुलंदशहर में बैंक के एटीएम की लाइन पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, 7 लोग घायल हो गए, उनका क्या गुनाह है? अरे काला धन छोड़ो, उनके पास तो सफेद धन भी इतना नहीं कि जीवन जी ले। 2,000 रुपल्ली निकालने के लिए, 2,000 रुपल्ली निकालने के लिए लाठी खा रहा है पुलिस की, हिंदुस्तान लाठी खा रहा है, 12-12 घंटे संघर्ष कर रहा है, और देश के 1,500 बड़े लोगों के लिए फिर राजमार्ग खुल गया,
आओ आधा आधा कर ले। हरीश जी गांव के आदमी है, जानते होंगे, हमने बटाई पर खेती तो सुनी थी जिशान हैदर, हमने बटाई पर खेती तो सुनी थी, ये काला धन वाले मामले में भी बटाई का सिस्टम है क्या अधिया का? जी ये गुनहगार है हिंदुस्तान के, ये अपराधी है भारत माता के, इन्होंने हिंदुस्तान के विकास को बाधित किया है, अपनी तिजोरियों में रख लिया हिंदुस्तान के गरीब आदमी का खुशहाली से जीने का सपना। इनको जेल जा भेजना चाहिए था, इनका खाता जब्त होना चाहिए था, इनका सोना जब्त होना चाहिए था, इनकी प्रॉपर्टी अटैच होनी चाहिए थी, होना तो ये चाहिए था और हुआ 50-50 ओपन ऑफर जी, सेल लगा दी। आओ और क्या कार्य, किसी का नाम भी नहीं बताएंगे, यानी बिल्कुल मस्त रहो, पड़ोसी को भी नहीं पता लगेगा कितना काला सफेद करे आए, ये ठीक बात नहीं जी। इस देश के गरीब आदमी को क्यों लाइन में लगाया? और एक बात हरीश जी और कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करूंगा, आज उत्तर प्रदेश के कई किसान मेरे पास आए, उन्होंने, मेरा फर्क है कि मैं सत्तारूढ़ दल को बताऊं और अब्बास से भी कहूंगा, मुख्यमंत्री को भी बताइए जाके, उन्होंने कहा धान की खरीद में व्यापारी कह रहा है पुराने नोट मिल बेचना हो तो 8 पैसा ले जाओ और नया नोट चाहो तो होली बाद देंगे जी, धान आज ले लेंगे नोट होली बाद देंगे, अन्यथा पुराना नोट पकड़ो। किसान की तो कोई तनख्वाह नहीं होती मित्र जी, उसका कोई पेंशन नहीं है ना, उसकी कोई ग्रेच्युटी नहीं है ना, वो उसके लिए तो धान ही जीवन है, गेहूं ही जीवन है, उसका धान नहीं बिक रहा, मंडी में आलू नहीं बिक रहा, वही नोट का संकट कहां जाए। हरीश जी शिकोहाबाद से शुरू करो और फरुखाबाद तक आलू की बेल्ट है, आप जानते हो, आगरा मैनपुरी से लेकर फरुखाबाद तक आलू, आलू के किसान से बात करिए वो कितना दुखी है, वो तबाह हो गया मित्र, तबाह हो गया, सोचना पड़ेगा। और एक आखिरी बात कह के बात समाप्त करूंगा, मेरी चिंता दिल्ली मुंबई तक सीमित नहीं रहती, इस बात को मेरे सारे मित्र समझे राजनीतिक क्षेत्र के, गांव का आदमी गेहूं देके साबुन ले रहा है, सरसों का तेल ले रहा है, सब्जी ले रहा है, वो गेहूं जो उसने साल भर खाने के लिए रखा था, उस गेहूं के बदले सब्जी ला रहा है, उस गेहूं के बदले चीनी ला रहा है, उस गेहूं के बदले चाय की पत्ती ला रहा है जी, फिर वो साल भर खाएगा क्या? अगर आज सारा गेहूं साबुन खरीदने में खप जाएगा उसका, तो साल भर किसान क्या खाएगा? ये बड़े सवाल है जिन पर सोचिए मित्र, ये हम सब की जिम्मेदारी है, ये पार्टियों से बड़ा मसला है, क्योंकि ये देश का मसला है, देश के गरीब आदमी के पेट से जुड़ा मसला है। बहुत बहुत धन्यवाद निशान हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हरीश श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद अब्बास साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के